सत्संग जी प्रेम से कह रहा हूं। हाँ जी हाँ, तो भवन और स्कूल का ये जो प्रांगण और आप सब संतों के साथ सबके बीच में शामिल होकर ये जो सत्संग का एक सुंदर रूप सजा है, तो अक्सर जब जिक्र किया जाता है सत्संग का, संतों का, तो यही भाव सांझे किए जाते हैं कि संतों ने, भक्तों ने हमेशा ही अपने कर्मों से, अपने वचनों से सारी ही मानवता को एक आवाज दी है, एक आवाज दी है कि ये जो जीवन मिला है, ये जो बाजी मिली है, इसको व्यर्थ ना गवा देना। कहीं ऐसा ना हो ये जो सुनहरा अवसर एक मानव के रूप में जन्म लेकर जो मिला है उसको व्यर्थ गवा दिया जाए। और व्यर्थ गवाने की जो परिभाषा है वो अगर दुनियावी नजरों से देखें तो जो संतों की परिभाषा है उससे बहुत ही अलग है। दुनियावी परिभाषा को जब देखते हैं तो इस मानव जीवन की कदर या कीमत या मूल मेरी कितनी उपलब्धियां हैं, कौन से ओहदे पर मैं जीवन जी रहा हूं, किस स्कूल से मैंने पढ़ाई की है, किस कॉलेज से मैंने कितनी डिग्रियां ली हैं, कितना मेरा बैंक बैलेंस है, बहुत सारे ऐसे पैमाने हैं जिनके आधार पर मानव जीवन की कीमत लगाई जा सकती है। ये दुनियावी पहलू, दुनियावी परिभाषा कि अगर जीवन में ये सब नहीं किया तो जीवन व्यर्थ है। अगर जीवन में आके दुनिया नहीं देखी तो जीवन व्यर्थ है, पैसा नहीं कमाया तो जीवन व्यर्थ है, उपलब्धियां नहीं प्राप्त की तो जीवन व्यर्थ है। पर वही संतों की जो परिभाषा है, संतों ने जो आवाज दी है वो ये आवाज के इस मानव जीवन में आकर अगर इस सत्य को प्राप्त नहीं किया तो जीवन व्यर्थ है, इस परमात्मा को हासिल नहीं किया तो जीवन व्यर्थ है। अगर इधर आकर भी निंद्रा भोजन भोग गए, इसी प्रकार से जीवन गुजार दिया तो जीवन व्यर्थ है। तो जो ये संतों वाली परिभाषा और दुनिया की परिभाषा बड़ी ही एक दूसरे से ऐसे लगता है जैसे मेल नहीं खाती, पर संतों ने कभी संसार को छोड़ने के लिए नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि किसी गुफा में जाएं, किसी जंगल में चले जाएं, किसी रिश्ते नाते से खुद को दूर कर लें, एकांत में जाकर कहीं भक्ति कर लें, नहीं। बस यही कहा कि ये जो मानव जीवन के साथ ये जो सुनहरे नजारे मिले हैं, ये जो कुदरत मिली है, ये जो सृष्टि मिली है, इसका आनंद लेते हुए, इसमें विचरते हुए इस सृजनहार को भी पाले। ये जो माया, ये जो दुनिया, ये उपलब्धियां, ये सब मुबारक है, पर इसके हर पल में जब इसमें विचर रहे हैं इस सच को शामिल कर ले। और ये कल्याणकारी वचन युगों युगों से गुरु पीर पैगंबर संत भक्त देते चले आ रहे हैं, और दुनिया ने सुना भी है, कितनी रिसर्च, कितने कथन, कितने पठन इन शब्दों पे
वेद ग्रंथों पर होते जाते हैं, पर वो वचन अपने आप में कल्याणकारी मेरे लिए तब तक साबित नहीं होते जब तक इन वचनों पर मेरा जीवन ना चल उठे। जब तक मेरे जीवन में ये वचन सिर्फ सुनने सुनाने तक सीमित ना रह जाए। बेशक कल्याणकारी वचन है, पर मेरे जीवन में उनका कल्याणकारी होना इस बात पर निर्भर करता है कि उनको कितना अपनाया जा रहा है, कितना उन पर गौर किया जा रहा है, कितना उन पर अमल किया जा रहा है। जिस प्रकार ये स्कूल की बिल्डिंग में भी हम बैठे हैं, तो यहाँ सांसारिक शिक्षा की शुरुआत अक्सर स्कूल से करी जाती है। पहले तो कहा जाता है कि घर पे ही बच्चा अपने माँ बाप से सब कुछ सीखना शुरू करता है, पर अगर हम एक औपचारिक रूप में बात करें तो स्कूल पहला कदम किसी भी बच्चे के लिए पढ़ाई का बनता है। तो अब यहाँ पढ़ाई भी मिल रही है, हर तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, पर वो मेरे लिए कल्याणकारी या मेरी मार्कशीट पे तभी रिफ्लेक्ट करेंगे अगर उस पढ़ाई को या उस टीचर के लेसन को मैंने याद किया है या उस पर गौर किया है और फिर एग्जाम के दिन उसको लिख पाया। वरना तो फिर स्कूल तो उतना ही कल्याणकारी जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, पर मेरे लिए कल्याणकारी तभी साबित हो सकता है जब वहां जो शिक्षा मिल रही थी उसको मैं ग्रहण कर पाया। कण कण से शिक्षा लेने की जो ये एक नजरिया सदगुरु ने बख्शा है, तो वो कण कण मेरे लिए कल्याणकारी तभी हो सकता है जब मैं इतना नीवा खुद को समझ सकूं कि वाकई मुझे कुछ सीखने की, किसी शिक्षा की जरूरत है। तो फिर ये जितने भी कल्याणकारी भाव, कल्याणकारी वचन, कल्याणकारी जीवन इस धरा पर हैं, मेरे लिए भी कल्याणकारी हो सकते हैं। और जो सबसे उत्तम परोपकार जो संत भक्त करते हैं वो ये करते हैं कि झूठ से नाता तोड़कर इंसान का उसको सत्य से रूबरू करा के प्रेरणा देते हैं। कभी प्रेम से, कभी झिझोड़ कर, कभी कोई सवाल कर, कभी कोई अपनी आप बीती सांझी कर। अभी गीत सुन रहे थे, वो सवाल पूछा जा रहा है, आए हो कहां से, तो वो सवाल पूछकर जगाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर इस सवाल का जवाब अभी पता नहीं है तो अभी भी वक्त है, समय है, सांसें चल रही हैं, ये मानव जन्म मिला हुआ है। तो आवाज देते हैं, चाहे सवाल पूछकर ही, फिर जवाब लेकर भी ये ब्रह्म ज्ञानी संत साथ चलते हैं। और सिर्फ जवाब देने तक ही साथ नहीं है, इस भक्ति की राह पर बखूबी साथ भी, जिस प्रकार सदगुरु अपने हर एक संत का साथ निभाता है, उसी प्रकार से ये जो सत्संग रूपी परिवार, साथ संगत रूपी परिवार, ये भी फिर संग चलता है, इस मंजिल तक पहुंचाता है, मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है, सिर्फ कहने सुनने तक की बात नहीं। तो फिर ये सच कौन सा है? किसी संत से जब पूछते हैं, ब्रह्म ज्ञानी संत से पूछते हैं, कहते सत्य तो एक ही है। वो तो पंक्तियां भी हम रोज जिनको ग्रहण करते हैं, सुनते हैं कि तीन काल है सत्य तो, मिथ्या है संसार। कि तीन काल जो एक ही सत्य है वो तू है, ये परमात्मा को कहा जा रहा है। निरंकार एक ही सत्य है, और इसके अलायदा जो कुछ भी है, जो कुछ भी, वो सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। और जिसके जीवन में ये शाश्वत परमात्मा, ये सत्य जिसके जीवन में आ गया, पल पल में बस गया, तो उसका जीवन अपने आप ही मिथ्या से नाता तोड़ने लगता है। और नाता इस प्रकार का नहीं कि कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी का गुजरान, वो कीचड़ में कमल के भांति, कि जो मिथ्या संसार इसमें विचरना है, पर इससे ऊपर उठकर
सत्य के साथ अपना नाता जोड़कर शाश्वत परमात्मा के साथ जुड़कर मैं भी शाश्वत हो जाता हूं। फिर जो मिथ्या संसार है इसका वो असर मुझ पर नहीं है कि झूठ थोड़ा ज्यादा हो गया या कम हो गया, उससे मेरी अवस्था पर कोई असर नहीं। मिट्टी के ढेर जो इकट्ठे किए हुए थे थोड़े कम हो गए थोड़े ज्यादा हो गए, तो उससे मेरी परिभाषा जीवन की जो है वो बदल नहीं जाती, मेरी अनंत की अवस्था बदल नहीं जाती, क्योंकि तीन काल है सत्य जो वो मेरे जीवन में आ चुका है, मेरी झोली में सदगुरु की कृपा से आ चुका है और हर पल में इसके एहसास में हूं। और जब ये सत्य जीवन में आता है तो ये जो संसार जिसमें अब तक मैं सबको खुद से अलग मानकर और सबको मुझसे एक गैर की नजर से जिस तरह से मैं दुनिया को देखता था वो मेरी नजर भी बदलने लगती है, एक अपनत्व वाले भाव, एकत्व वाले भाव, प्रेम वाले भाव जन्म लेने लगते हैं। कि जब मैं इस तीन काल सत्य जो परमात्मा है उसका अंश हूं तो फिर ये सारी की सारी कुदरत, सारी की सारी खलकत भी इसी सत्य की अंश है। तो मैं भिन्न किस प्रकार हुआ, अलग किस प्रकार हुआ, ये तो वो अंधकार वाले जीवन की नजर हो सकती है, ये तो वो असत्य के साथ जो जीवन जिया जा रहा है उसकी नजर हो सकती है। पर अब तो मुझे वो सच मिल गया है जिसके लिए कहा गया है कि आद सच जुगाद सच है भी सच नानक कोसी भी सच, जो ये एक सत्य एक सच जब ये जीवन में आ गया है तो फिर अब झूठ वाले जीवन के साथ जो नजर मुझे मिली हुई थी उस नजर का भी क्या काम है, जो खुद को दूसरों से भिन्न समझती थी, जो दीवारें खड़ी करती थी, नफरत के कारण ढूंढती थी, किसी को नीचा दिखाने के कारण ढूंढती थी, जैसे संसार की परिभाषा की दास ने शुरू में बात की, तो उन उपलब्धियों के साथ संसार की ये परिभाषा भी है कि कितने आपसे नीचे हैं उतना ही जीवन आपका सार्थक है। जब पीछे मुड़ के देखते हो तो लाइन में कितने लोग पीछे खड़े हैं, अगर तो आगे वाली जो संख्या है वो थोड़ी है और पीछे वाली लाइन में जो लगी संख्या है वो लंबी है ज्यादा बड़ी है, तो जीवन कहीं जा रहा है, तो जीवन सार्थक है, तो जीवन जीने का कोई फायदा है। और अगर आगे जो लाइन में तुम्हारे से खड़े हैं किसी भी पैमाने पर अगर वो ज्यादा और पीछे मुड़ के देखते हो तो थोड़ी सी ही गिनती, तो फिर जी के फायदा ही क्या है, संसार की ये परिभाषा। और फिर आगे लगने के लिए कोई भी कार्य करना पड़े, किसी और को पीछे धकेलना पड़े, किसी और की लकीर छोटी करनी पड़े, तो संसार की परिभाषा में इस प्रकार से आगे होने को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अपना लिया जाता है। पर जब ये संतों वाली परिभाषा, संतों वाला सत्य, ये परमात्मा जीवन में आ जाता है तो सारी लाइनें ही खत्म, सब इस एक परमात्मा में इकट्ठे ही समाये हुए हैं, सब में ये परमात्मा समाया हुआ है। फिर जिधर देखता हूं उधर तू, चाहे आखिरी में भी हूं तो पीछे ये निरंकार, आगे लाखों की लाइन है तो आगे भी ये निरंकार, सबसे आगे खड़ा हूं लाइन में पीछे सारे लोग खड़े हैं तब भी निरंकार, साइड में खड़ा हूं तो निरंकार। तो इस परमात्मा इस निरंकार का पल पल में एहसास, ये संतों वाली परिभाषा। और इस सत्य से सही मायनों में जीवन सार्थक होता है, सही मायनों में कहा जाता है कि वाकई ही ये जो मानव जीवन मिला है इसका मूल डाला गया, इस सच को प्राप्त करके वो जो झूठ वाली नजर, वो दीवारों वाली नजर, वो वैर वाली नजर, वो ईर्ष्या वाली नजर, उससे छुटकारा पाया। वो जीवन जो अपने से लाइन में दो लोगों को आगे खड़ा देख के जल भून कर राख हो जाता है कि मैं वहां क्यों नहीं खड़ा, ऐसी अवस्था से छुटकारा मिल जाता है जब ये शीतल सत्य इस रूप में मेरे जीवन में आ जाता है कि हर पल हर जहां हर जर्रे में हर पत्ते में
इस परमात्मा के मैं दर्शन कर सकता हूं। तो ऐसा जीवन संतों ने हर एक इंसान के लिए चाहा है, और इसलिए सदगुरु धरा पर युगों युगों से ना जाने कितने स्थानों पर, कितनी धराओं पर जा जाकर सिर्फ एक यही पैगाम कि ये झूठ वाले चश्मे उतार कर इन ज्ञान चक्षुओं से इस सत्य को देख के सत्य वाला जीवन जिया जाए, शाश्वत जीवन जिया जाए, नश्वर की दौड़ में इस सुनहरे अवसर को गंवा ना दिया जाए। तो आज भी हर एक संत ने यही आवाज, यही पैगाम, ये सत्य कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं, एक एक इंसान के लिए उतना ही बराबर है और उतना ही उपलब्ध है। सदगुरु जिस प्रकार से हमारे जीवन में आया है, उसी प्रकार से सारी मानवता के लिए आया है। तो यही आवाज के आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा है इंसाना ने। और जिनकी झोली में ये ब्रह्म ज्ञान, ये सत्य, ये रब, ये शाश्वत आ गया है, फिर यही अरदास बनती है कि अब ये नाता जो है शाश्वत से अगर सदगुरु ने जोड़ा है तो शाश्वत से ही जुड़ा रहे, परमात्मा से ही जुड़ा रहे, सत्य से ही जुड़ा रहे। फिर ये सत्य वाली नजर के साथ जीवन जब देख लिया, फिर मैं वो गलती ना कर बैठूं कि फिर वो झूठ वाला चश्मा। जब एक बारी सूर्य की रोशनी देख ली, फिर मैं कहीं दोबारा अंधेरे कमरों में जाने वाली मेरे कदम उस प्रकार से उस अंधेरे की तरफ दोबारा ना बढ़े। जब देख लिया है कि कितना सुंदर जीवन रोशनी में जिया जा सकता है, तो फिर अंधेरे की तरफ मेरे कदम दोबारा ना बढ़े। तो यही अरदास अपने लिए और सारी मानवता के लिए कि परमात्मा ये जो सच तीन काल जो सत्य है, वो सत्य सबके जीवन में आए और सब भक्ति भरा जीवन जीते चले जाएं, और अपने घर के नक्शे को भी जिस तरह स्वर्ग का रूप दें और इस संसार को भी स्वर्ग का, जन्नत का रूप देते चले जाएं। प्रेम से कहना आमीन।